नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाने आए हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो है कि कुछ पत्र जारी किए गए हैं संविदा कर्मियों के संबंध में, जिसमें संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि की बात का उल्लेख किया गया है, उसे हम आपको सारी जानकारी मुहैया कराएंगे। पत्र का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। इससे पहले हम आपको बता देना, ये दोस्तों बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सामान प्रशासन विभाग जो है कि बिहार सरकार का, उसके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में जो है कि संविदा कर्मियों के संबंध में बातें लिखी हुई है। पत्र का विषय है विभागीय प्रोन्नति समितियों तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समिति संविदा पर नियोजित कर्मियों को दे पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों तथा अन्यान्य समितियों के बैठक में भाग लेने के लिए समान प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन। तो सरकार क्या यहाँ करती है कि प्रत्येक वर्ष जब संविदा कर्मी आंदोलन का रुख अपनाते हैं तो एक पत्र जारी कर देती है समान प्रशासन विभाग, जिसमें संविदा पर कार्यरत नियोजित संविदा कर्मियों का जो है कि पारिश्रमिक और मानदेय के निर्धारण के संबंध में कुछ बातें उल्लेखित होती है। कुछ पदाधिकारियों का नाम उसमें चयनित कर दिया जाता है और बताया जाता है सरकार के तरफ से कि ये अधिकारी जो है विकास आयुक्त की जब बैठक होगी जिसमें समीक्षा की जाएगी संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण कितना होना चाहिए, कितना जो है कि उनको पैसा मिलना चाहिए, कितना उनका मानदेय इंक्रीज होना चाहिए, उसके संबंध में बैठक होने वाली है और उसमें ये पदाधिकारी भाग लेंगे। लेकिन इसका फलाफल कुछ नहीं निकलता है, ढाक के तीन पात साबित होते हैं ये पत्र। तो एक तरह से सरकार जो है कि संविदा कर्मियों का मजाक बना रही है, इस तरह का पत्र जारी कर रही है। लेकिन पिछले कई सालों से मैं लगातार देखते आ रहा हूँ कि इस तरह का पत्र जारी होते रहता है लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। और फिर एक बार सरकार ने जो है कि ऐसा ही पत्र जारी किया है जिसमें जो है कि प्रसंग यानी कि पिछले पत्रों का वर्णन, बहुत सारे पत्र हैं जो कि 17/7/2018 से लगातार जारी हो रहे हैं और 9/7/2021 को अंतिम पत्र जारी हुआ था और यह पत्र 7/3/2022 को जारी किया गया है। सारे पत्रों का उल्लेख सरकार कर रही है। हमको समझ में यह नहीं आता है कि सरकार के पत्र, जब सरकार के कौन से अधिकारी हैं जो नहीं मान रहे हैं और ऐसा कौन सा जो है कि नियम और आंगा है विकास आयुक्त के पास जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बिहार के संविदा कर्मियों का मानदेय कितना होना चाहिए। और इसके लिए जो है कि समान प्रशासन विभाग से बार बार पत्राचार हो रहा है लेकिन इसका जो है कि कोई प्रभाव नहीं है। और जब बिहार के संविदा कर्मी आंदोलन का रुख अपनाते हैं तो ये लोग इस तरह का पत्र डाल देते हैं और यह पत्र बिहार के सारे ग्रुपों में दौड़ने लगता है और संविदा कर्मियों को उम्मीद बंध जाती है और वे लोग शांत हो जाते हैं। इसका मकसद एक यह भी हो सकता है कि संविदा कर्मियों को शांत कराया जाए, जो कतई उचित नहीं है। पत्र में लिखा गया है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के तहत विभागीय प्रोन्नति समिति तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्त प्रोन्नति हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों संविदा पर नियोजित कर्मियों के देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों में भाग लेने हेतु समान प्रशासन विभाग के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाता है। वर्तमान में कतिपय पदाधिकारी के स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त मनोनयन प्रभारित हो गया, अतः पूर्व के तत् संबंधित प्रसंगाधीन आदेश को विलोपित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निम्न रूपेण किया जाता है, जिसमें जो है कि सारे विभागों का नाम है जो कि आपको हम पत्र डाल देंगे, आप स्वयं देख लीजिएगा। शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं नगर एवं आवास विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन, पथ निर्माण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समान प्रशासन विभाग, राजस्व, भूमि सुधार, निबंधन, उत्पाद, मध्य निदेश, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, कला संस्कृति, निर्वाचन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, अल्पसंख्यक। तो सारे विभागों के लिए फिर से ये जो है कि कह रहे हैं, यहाँ समान प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होती है वह
बिहार के सारे विभागों को गाइड करती है, सारे विभागों को दिशा निर्देश जारी करती है। तो यह कह रहे हैं कि हमने सारे विभागों के लिए फिर से जो है कि पदाधिकारियों को मनोनयन किया है, जो कि आपको है कि बताने का काम करेंगे, जाएंगे और मीटिंग में भाग लेंगे विकास आयुक्त के, और वहाँ अपना पक्ष रखेंगे, वहाँ बताएंगे कि संविदा कर्मियों का जो है कि क्या मान निर्धारित होना चाहिए और कितना होना चाहिए। हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि इसी पत्र में कहा गया है कि सबसे पहला पत्र वर्ष 2018 में जारी हुआ था। यह कैसा मीटिंग है, यह कैसा खिलवाड़ हो रहा है, बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है जो है कि राजस्थान में देखिए कि 80,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का कैबिनेट हो चुका है और सारे संविदा कर्मी नियमित होने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने वहाँ जो है कि अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को रखा था, और बिहार की सरकार जो है कि क्या कर रही है, बिहार की सरकार कुछ नहीं कर रही है, मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, टाइम पास कर रही है। हम इस बात की निंदा करते हैं क्योंकि बिहार के संविदा कर्मी बहुत गरीब हैं और इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। और जब संविदा कर्मियों की बात महासंघ के द्वारा कहा जा रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, तो इस तरह का पत्र जारी करके जो है कि फूट डालने की काम भी हो सकती है। इसलिए संविदा कर्मी जो है कि इस बहकावे में नहीं आए, लेकिन बहरहाल हम न्यूज़ चैनल हैं, हमारा जो है कि सत्यता दिखाना काम है। हमने सारी बातें जो वस्तु स्थिति थी उसको आपके समक्ष रख दी, और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।